नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया जिसके बाद सियासी संग्राम खड़ा हो गया है। जी हां, ये बयान था ज्ञानवापी को लेकर, जहां एक तरफ ज्ञानवापी को लेकर सर्वे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, हिंदू पक्ष जाए सर्वे को कराए जाने की मांग कर रहा है, तो वही मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग है। इस मामले पर दोनों पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही कोर्ट भी इस पर अपना फैसला दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी मामले को लेकर दिया गया बयान पूरे देश में बवाल मचा रहा है, खासकर भी उन राज्यों में जहां जहां पर चुनाव होने हैं। दरअसल ज्ञानवापी मामले पर योगी आदित्यनाथ ने बयान में कहा है कि इस इमारत को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं होंगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, कमल के निशान हैं, त्रिशूल के निशान हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर ऐतिहासिक गलती हुई है, अब हम उसी गलती का समाधान चाहते हैं। वहीं अब सीएम योगी के दिए इस बयान पर राजनीति होना लाजमी है। इस बयान के बाद सपा से लेकर AIMIM तक सीएम योगी पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ही उठता है कि क्या बीजेपी ने आने वाले तीनों राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का मुद्दा बदल दिया है? क्या बीजेपी अब UCC के बदले ज्ञानवापी का मामला बीजेपी की लोकसभा की जीत दिलाने वाला है? बीजेपी को एजेंडा बदलने से क्या फायदा होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा ही सम्मानित पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है जिसके बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब। तो वही इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है उनका, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री, इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है, वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है, और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो, उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ पे तंज कसा है, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी क्या है? माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। जब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और जब तक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का नहीं आ जाता है, तब तक उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार, यहां तक कि
प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कभी दखल नहीं देते हैं। तो ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। हालांकि अब इस पूरे बयान को आप सुनेंगे तो इससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि ज्ञानवापी को अब मंदिर कहना शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म से जुड़े जो लोग हैं लगातार ज्ञानवापी को मंदिर कह रहे हैं। अब तक ज्ञानवापी मस्जिद मामला, इसको लेकर लगातार बहस जारी थी। अब इस सर्वे का जो मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिलहाल चल रहा है। हिंदू पक्ष कहता है कि सर्वे को होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही है। इस मामले पर दोनों पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं, दलीलें भी पूरी हो चुकी हैं। जल्दी कोर्ट भी अपना इस पर फैसला सुनाने जा रहा है। वो फैसला क्या होगा जिसका इंतजार अभी कर रहे हैं। बहुत सारी तारीखें आई और क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 18 अगस्त 2021 को सिविल जज सीनियर डिविजन के न्यायालय में राखी सिंह और 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी और याचिका में मांग रखी थी कि श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन और परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को सुरक्षित किए जाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद क्या हुआ कि 26 अप्रैल 2022 को अजय मिश्रा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। मिश्रा को परिसर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के साथ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। उसके बाद 6 और 7 मई 2022 को कोर्ट को सर्वे का आदेश मिल गया। अधिवक्ता आयुक्त के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष ने कुछ हिस्सों को 2 घंटे सर्वे 6 मई को पहली बार यह हुआ था। उसके बाद 7 मई को टीम के पहुंचने पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया था। 12 मई को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को ही अधिवक्ता आयुक्त बनाए रखा। विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप को भी नियुक्त किया गया। 4, 5 और 16 मई को परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराया गया है। 16 मई को हिंदू पक्ष ने बताया कि वजूखाने में शिवलिंग है, जिसके बाद काफी बवाल हुआ कि शिवलिंग नहीं है, फपारा है। इस परिसर को फिर सील कर दिया गया। 17 मई को न्यायालय में रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। 18 मई को अजय मिश्रा ने पूर्व अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर अपनी 2 दिन की सर्वे रिपोर्ट पेश की। मस्जिद के अंदर मिले साक्ष्यों यानी कि हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां जिसमें कमल, शेषनाग, स्वास्तिक, त्रिशूल का जिक्र किया गया था। 19 मई को विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने 14 से 16 मई की रिपोर्ट को पेश किया। इस रिपोर्ट में गुम्बद के अंदर शिखर, दीवारों पर हाथी के सूंड और घंटियों का जिक्र किया गया था। महिला याचिकाकर्ताओं ने मांग रखी कि नंदी और परिसर में मिले नंदी के बीच की दीवार को गिरा दिया जाए। सरकारी अधिवक्ता ने भी याचिका दी कि सील परिसर में स्थित तालाब में मिली मछलियों को कहीं और रखा जाए। तो ये कुछ पूरा मामला था। ऐसे तारीख दर तारीख जो है ये मामला बढ़ता गया। 24 मई 2022 को किरण सिंह ने याचिका दाखिल करके ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग कर दी थी। 25 मई 2022 को जिला जज AK विश्वेश की अदालत की तरफ से याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। 18 अक्टूबर 2022 को अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा। 21 अक्टूबर को जिला जज AK विश्वेश की अदालत ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी से कहा कि उन्होंने समय पर आपत्ति दाखिल नहीं की थी, उन पर जुर्माना लगाया जाए। तो ये तारीख दर तारीख इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। 27 अक्टूबर 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदि विश्वेश्वर विराजमान केस में पूर्णता को लेकर सुनवाई पूरी हुई। 8 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया गया। 2 नवंबर 2022 को हिंदू पक्ष दोबारा कमीशन सर्वे कराने को लेकर एक मांग रखी थी। इस पर मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दाखिल किया। 17 नवंबर 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किरण सिंह के पूर्णता के बाद को अदालत ने सुनवाई योग्य माना है। बाद में मुसलमानों के ज्ञानवापी में प्रवेश को वर्जित करने की भी मांग की गई थी। इससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा।
तो वहीं 22 मार्च 2023 को जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने ज्ञानवापी मामले से जुड़े 60 मुकदमों को समेकित करने का आदेश पारित कर दिया था। तो ज्ञानवापी का पूरा मामला है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और बवाल खड़ा हो गया। सभी अपने अपने तर्क लेकर मीडिया के सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर भी बहसबाजी लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। फिलहाल मेरे साथ कुमदेश गुप्ता जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और नीरज राय जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कुमदेश गुप्ता जी, क्या ये जो बयान जारी हुआ है, क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए था? इस बयान से हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये संदेश तो साफ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश भाईचारे को बनाए रखने के लिए, अपना भाईचारा जो है मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों को आगे आना चाहिए और उन्हें स्वयं से कहना चाहिए, क्योंकि जो उनको लेकर और उनके पीछे खड़े होकर कुछ कथाकथित मुसलमान भाई जो इस सारे संयंत्र में एक विरोधाभास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सच्चाई को झुठला रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा भाईचारे की अपना बयान अगर मुसलमानों को ये परेशानी होती तो क्या वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करते? क्या उनके लक्षणों से या उनके इस बयानों से लग रहा है कि वो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई नहीं होने देंगे या संविधान का इंतजार नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से जो आगे काम चल रहा है, जो सुनवाई हो रही है, वो नहीं होने देंगे? नहीं, आप देखिए ना काजल जी, जहाँ मैंने अभी जैसे बताया कि पहली बात तो ये कि ये पूरा का पूरे समाज की बात नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आप ये देखिए कि जब सर्वे का आदेश आया तो सर्वे के लिए जब टीम गई है तो वहां जाकर कोर्ट में ही एक पक्ष जाके क्या कहता है कि वहां तो खुदाई हो रही है, वहां उस कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये गलत तथ्य तो पेश किए गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही तो कहा, क्योंकि इस तरीके की गलत धारणाएं जो है एक पक्ष के कुछ हमारे साथी भाइयों में ये भ्रमित किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने यही तो स्पष्ट करा है। अच्छा, भाई अगर आप भाईचारे हैं, क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए था? थोड़ा सा इंतजार, दो दिन की बात और थी। देखिए काजल जी, इसमें इंतजार का मतलब मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश नहीं सुनाया है और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि नहीं नहीं अगर हम ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा या हम वैसा कर देंगे या फिर हमने ये तय कर दिया है, ऐसा थोड़ी नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने तो ये स्पष्ट भाईचारे की बात कही है कि हमारे मुस्लिम भाई लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और उन्हें अपनी ये भूल माननी चाहिए, क्योंकि साक्ष्यों को कब तक झुठलाएंगे वो, बस यही तो कहा है उन्होंने। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर ये बनाया जा रहा है ये इस तरीके का प्रपंच। ठीक है गुप्ता जी, वापस लौटूंगी आपके पास। नीरज राय जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। नीरज राय जी, ये जो पूरा ज्ञानवापी का मामला है, अब इसे मस्जिद कहे मंदिर कहे कुछ भी कहना मेरे लिए तो जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जो ज्ञानवापी का पूरा मामला है और जिस तरह से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक बयान जारी किया है उसके बाद जो सियासत गरमा गई है, वो किस दिशा की तरफ जा रही है? क्या वाकई यूजीसी का मुद्दा बीजेपी छोड़कर ज्ञानवापी पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है? देखिए काजोल जी, आपने सही बात बोला है, या सिर्फ मामला जो है राजनीतिक, जो सियासत का जो है ना, ये रास्ता अख्तियार किया जा रहा है जिससे कि प्रदेश में और देश में एक भ्रमित करने की स्थिति को पैदा किया जा सके। और यह बातें एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उनके द्वारा यह बचकाना बयान जो होता है कहीं ना कहीं यह बातें सिद्ध करता है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का उनका कोई मंशा नहीं है, वो एक सिर्फ ढोंग के तहत चल रहे हैं जो कि यह कहीं से स्वीकार्य नहीं है। इस पर जो है योगी जी को बोलना ही था तो दो दिन एक सेकेंड रोकूंगी। ये जो यहाँ पर शिवलिंग मिली है जिसे पहले फव्वारा बताया गया,
इसके बाद जो यहाँ पर नंदी है, इसके बाद यहाँ पर कमल के निशान है, यहाँ पर स्वास्तिक है, त्रिशूल है, इसे भी तो झुठलाया नहीं जा सकता ना। देखिए मैं कहाँ कह रहा हूँ कि झुठलाया जा सकता है, न ही मैं झुठला रहा हूँ। जो चीजें मिली हैं वह अक्षरशः सत्य हैं, या लेकिन यह भी तो सोचिए ना कि आप जो है इतने दिनों से जो चीजें चल रही थी कानूनन, जो चीजें चल रही है कोर्ट के अधीन है, यहाँ पे एक अधिवक्ता महोदया भी बैठी है, उस पर भी अभी बताएंगी। तो कोर्ट के निर्णय आने तक इंतजार करने की बजाय अगर आप सियासती दाव नहीं खेलना चाह रहे हैं, कभी अयोध्या तो कभी काशी तो कभी मथुरा को लेकर आप चलेंगे, आपका कर्तव्य और दायित्व तो बनता है प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि उनको यह घोषणा करनी चाहिए थी कि कोर्ट का जो भी निर्णय आता है उसे आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए चलने का काम करेंगे और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलकर इस पर इस निर्णय का स्वागत करेंगे। आप आइए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी अयोध्या है तो कभी काशी है तो कभी मथुरा है, भाई राजनीतिक एजेंडा है, राजनीति के समय आप राजनीति करते हैं, चुनाव के समय लेकर आते हैं, एक सीधी लाइन लेकर बैठिए पूरे देश में कौन कौन सी चीजें विवादित है, कोर्ट के निर्देशानुसार अगर आपको लाना है तो डिसीजन दिलवा दीजिए, और उसके बाद आपके राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाय मुख्य विकास के मुद्दों पे हर बार चुनाव लड़ते रहिए, ऐसी बयानबाजी दीजिए जो कि हिंदुस्तान की अस्मिता बची रहे। कोर्ट का अवहेलना है या उसी तरह से है जैसे कि 91 में जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, कोर्ट में विचाराधीन मामला होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लेके आती रही है, यह कोर्ट का अवमानना ही है। लेकिन अंततोगत्वा हुआ, कोर्ट के निर्देश को, कोर्ट के आदेश को देश के हिंदू और मुसलमान समग्र समुदाय और समाज के लोगों ने माना, स्वीकार किया। 2024 में देखा आपने कि इन्होंने जनवरी में, जो कि कोई भी मुहूर्त नहीं होते हुए, राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोलने की घोषणा भी हो गई क्योंकि चुनाव आने वाला था, खोलना ही था राम मंदिर को, तो अप्रैल के मार्च में जो नवरात्रि आती उसमें खोल देते, अक्टूबर में खोल देते। तो यह सिर्फ ज्ञान वापी राजनीतिक एजेंडा के तहत यह बयान दिया गया है, और कोर्ट के निर्णय को मैं जहां तक कह रहा हूं देश के हिंदू और मुसलमान सहर्ष स्वीकार करेंगे, इस पर योगी जी और भाजपा के प्रवक्ता को कोई बात बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है नीरज जी, वापस लौटेंगे आपके पास। तनुषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी है, वकील है हाईकोर्ट से। तनुषा जी, इस पूरे मामले पर अभी बहस खत्म नहीं हुई है, अभी सुनवाई नहीं है, लेकिन एक बयान आ जाता है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, उस बयान में कहा जा सकता है कि त्रिशूल कहां से आया, उसे ज्ञान व्यापी मंदिर ही रहने दीजिए, मस्जिद मत बताइए, जो भूल हुई है उसे स्वीकारिए। क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या वाकई ये सिर्फ मामला हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ है या फिर इसमें राजनीति बखूबी की जा रही है? हमें संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन पहले ही बयान जारी हो रहे हैं। जो भी हमने बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन हालांकि जब तक सर्वे नहीं होगी जब तक उन्हें ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से इंडिपेंडेंट करके जो मुजम्मी का वोट बंद रखा कर रहे हैं तो ये भी गलत चीज है। बाकी कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तुनिशा जी शायद नेटवर्क की परेशानी हो रही है, आपकी आवाज मुझसे ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। चलिए ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी, तनुषा जी आपका रुख करेंगी। उससे पहले मैं यहाँ सैयद जाफर हुसैन नकवी मेरे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नकवी साहब, ज्ञान वापी मस्जिद कहूं, मंदिर कहूं, या फिर पहले अयोध्या फिर मथुरा फिर काशी, इंतजार करूं? काजोल जी धन्यवाद इस चर्चा में आपने बुलाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, ये अभी मस्जिद है ना ये अभी मंदिर है, ये अभी ज्ञान व्यापी ही रहने दीजिए, ना इसको अभी मंदिर कहिए ना मस्जिद कहिए। जिस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे, मुझे लगा ये या तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लग रहे थे या फिर ओवैसी के प्रवक्ता लग रहे थे कि उन्होंने सीधे योगी जी पे ही प्रहार चालू कर दिया। क्या योगी जी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या योगी जी को अधिकार नहीं है कि वो बोलते हैं कि अभी आप उसको मस्जिद ना कहें, मंदिर ना कहें? माननीय न्यायालय के अधीन फैसला है, माननीय न्यायालय इसका फैसला करेगा। आप कौन होते हैं योगी जी पे टिप्पणी करने वाले की पचकाना हरकत है? प्रदेश का मुखिया है, आपको कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आप किसको कह रहे हैं। नेशनल मीडिया पे आप प्रदेश के मुखिया को पचकाना हरकत है कह रहे हैं, क्या उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच उससे आपसे छीन लिए? मुख्यमंत्री होते ही, मुख्यमंत्री होने के अधिकार के अनुसार उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे पहले है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई फैसला या कोई जजमेंट नहीं दे दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा
कि आप उसको मस्जिद, और अगर मुसलमानों को उन्होंने मोहब्बताना कहा है कि अदब से गुजारिश की कि मुसलमान पढ़ते हुए व्यक्तिगत तौर पे आगे आना चाहिए, और अगर किसी से गलतियां हुई हैं तो वहां पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो साक्ष्य कहीं ना कहीं इसको चिन्हित करने के लिए तैयार है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम वहां पर 400 सालों से वजू करते आए हैं, वो मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। काजोल जी, अगर मस्जिद है तो मैं जिस इस्लाम को फॉलो करता हूँ वो इस्लाम कहता है कि अगर किसी पे किसी अन्य धर्म के उसमें सूचक चिन्ह बने हुए, अगर किसी अन्य धर्म के उसमें पूजा अर्चना के बहुत से ऐसे वो तथ्यात्मक चीजें वहां पे वर्णित हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारी पूजा अर्चना का स्थल हो ही नहीं सकता। और अगर वहां पे त्रिशूल प्राप्त हुआ, अगर वहां पे शिवलिंग की बात हो रही है, तो पहले माननीय न्यायालय को फैसला करने दिया जाए कि माननीय न्यायालय क्या फैसला देता है। अगर माननीय न्यायालय का फैसला न्याय संगत होगा तो हमारे पास और भी न्यायालय है, हम राष्ट्रपति तक जा सकते हैं, अपनी याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको न्यायालय के फैसले का वेट करना चाहिए। एज अ मुस्लिम स्कॉलर, जो भी कोर्ट फैसला देता है, क्या अगर वो हिंदुओं के पक्ष में होता है या मुसलमानों के पक्ष में होता है या फिर किसी के पक्ष में नहीं होता है, क्या देश का मुसलमान मानेगा? देश का मुसलमान संपन्न हो चुका है, शिक्षित हो चुका है, मोदी और योगी के साथ चलने को तैयार हो चुका है। काजोल जी, अब व्यवस्थाएं वो नहीं है कि समाजवादी पार्टी और वैसी के लोग आके मुसलमानों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद के नाम पे कितना विध्वंस हो चुका, क्या अभी बचा हुआ है। अब मुसलमान शिक्षित है, योग्य हो चुका है, वो अगड़ी विचारधारा में चलना चाहता है, पिछली विचारधारा में बिल्कुल नहीं चलना चाहता। मुसलमान जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा उसको साहस स्वीकार करेगा, और मुसलमान और हिंदू गले लग के फैसले का स्वीकार करेगा। ठीक है, वापस चर्चा में लौटेंगे। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा जिस बयान को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, वो बयान एक बार फिर से दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। तो ज्ञानवापी को लेकर लगातार बहसबाजी जारी है, सबके अपने अपने तर्क हैं। एक बड़ा ही सम्मानित पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कुंभेश गुप्ता जी का मैं रुक करूंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कुंभेश जी, हमने सबको सुना, हमने यहाँ पर नीरज राय जी को भी सुना है, हमने उसे नकवी साहब को भी सुना है, लेकिन सवाल ये है कि नकवी साहब ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी बात रखी है उसे ऐसा लगता नहीं है कि मुसलमानों को कोई परेशानी है, शायद ओबीसी को परेशानी है सर? कुमदेश गुप्ता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? काजल जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही बात हो रही है और ज्ञानवापी की बात हो रही है, तो ये कतई नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं या सभी मुसलमान नहीं चाहते हैं। मैं यही तो स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर मेरे राजनीति विशेषज्ञ भाई ने जो भी बचकाना बता दिया मुख्यमंत्री जी को, आप देखिए कि वो बचकाने वहां तो नहीं होते हैं। जब वो राशन देते हैं, जब वो राशन देते हैं तब बचकाने नहीं होते हैं, जब वो घर देते हैं तब बचकाने नहीं होते हैं। सवाल इसका है सर, देखिए मुसलमान ये नहीं कह रहा कि हम क्या कहते हैं संविधान के, देखिए मैं संविधान के चलते जो फैसला आएगा हम वो नहीं मानेंगे, मुसलमान ये नहीं कह रहा है, लेकिन ये काजल जी पड़ गई। काजल जी बिल्कुल, अगर आप संविधान की बात करें तो मैं कब उसका विरोध कर रहा हूँ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कब कहा कि हम संविधान को नहीं मानते? उन्होंने ये कब कहा कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते? मैं सिर्फ स्पष्ट कर दूं, उन्होंने यही तो कहा कि मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और जो भूल हुई है उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा उन्होंने अगर मुसलमान भाइयों को कहा तो ये तो भाईचारे वाली बात करी ना। अगर विरोध करना है तो विरोध तो आप ये देखिए ना कि जब सर्वे का निर्देश माननीय न्यायालय से मिलता है तो वहां पर एक मुस्लिम पक्ष उसके एक पक्ष जाकर क्या कहता है कि नहीं वहां तो खुदाई हो रही है। अरे भाई, खुदाई पे कहां है? खुदाई के निर्देश नहीं थे, खुदाई वो कर भी नहीं रहे थे, लेकिन वहां पर रुकावट पैदा की ना। तो हमें उससे बचने के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि यही विवाद न बने, यही चार दिन बाद जब ऑर्डर आए न्यायालय का, जो भी आदेश आएगा वो मुख्यमंत्री जी को भी और हम सभी लोगों को मंजूर है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी इस
बात से सहमत हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी गलती है और हमें दिख रहा है, लेकिन तथाकथित एक मुस्लिम वर्ग है तो इसका विरोध कर रहा है, बस ये स्पष्ट है जी। ठीक है, ठीक है। तनुषा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, पहले भी बात नहीं हो पाई। तनुषा जी, क्या संविधान के हिसाब से इस तरह का बयान सही है? तनुषा जी मेरी आवाज आ रही है? तनुषा जी सुन पा रही है मुझे आप? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क की कोई समस्या लगातार बनी हुई है। तनुषा जी आ रही है मेरी आवाज आपको? मुझे आपको बोलता तनुषा जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जी अब आ रही है। तनुषा जी वापस लौटूंगी आपके पास। राजनीतिक विशेषक नीरज राय जी मेरे साथ बने। नीरज राय जी, मैंने पहले भी आपसे यही पूछा कि इस तरह का बयान और वो निशान, देखिए बयान आया है सामने, सियासी बवाल तोड़ना था, लेकिन उन निशानों को भी हम जुटला नहीं सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि हम 400 सालों से यहाँ पर वजू करते आए हैं, नमाज पढ़ते आए हैं, ठीक है, अगर 10 साल आप कहीं भी किसी भी सड़क पर नमाज पढ़ रहे हो तो सड़क आपकी नहीं हो जाएगी। देखिए मैं भी काजोल, मैं भी ये नहीं कहा हूँ, मैंने आपसे वही कहा है कि जो भी निशान आ रहे हैं, जो भी मिले हुए हैं, उन सबसे मैं सहमत हूँ। आप बात को समझिए, यहाँ पर बात यहाँ पे सैयद साहब प्रमाण पत्र बांटना हमको शुरू कर दिए हैं, सैयद साहब हमें प्रमाणित करना शुरू कर दिए हैं, सैयद साहब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और योगी जी को कानून से ऊपर जब लेके चलना चाह रहे हैं, इस पर मेरी आपत्ति है। कोर्ट का निर्णय आने तक देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता है। कोर्ट का निर्णय जांच में मिला है, त्रिशूल जांच में मिले, हमारे भगवान नंदी मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर थे विश्वेश्वर महाराज, थे वहां पर, तो कोर्ट का जो मामला कोर्ट में गया है तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। और सैयद साहब आपको एक चीज जानकारी में दे दूं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो होता है पूरे समाज और पूरे प्रदेश का होता है, उसकी कोई भी राय व्यक्तिगत नहीं होती है। और आप जिस हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, एक राजनेता अगर इस चीज को बोलता है कोर्ट के निर्णय आने से पहले, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है और यह उकसाया जा रहा है। जो बोला जा रहा है कि तथाकथित मुसलमान तथाकथित हिंदू, क्या अयोध्या का निर्णय आया है राम मंदिर का, क्या हिंदू और मुसलमान ने स्वीकारा नहीं है, क्या उसको ढोल और डफली बजाकर चलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता बोलेंगे कहीं इसको हार मानने चाहेंगे? आप कैसी बात है भाई, आप कोर्ट से बड़े नहीं है भैया, देश का जो देश संविधान से चलता है ना, देश संविधान से चलता है ना। मैं सैयद भाई साहब के बातों की बात कर रहा हूँ, मैं सैयद साहब के बातों में बता रहा हूँ, जो इन्होंने कहा है कि सपा के प्रवक्ता है और ओवैसी के प्रवक्ता है, तो क्या यहाँ पर भगवान का नाम लेना, मंदिर का नाम लेना, ये भाजपा को ही प्रमाणित करता है क्या? जो जांच कमेटी गई मैं भी मानता हूँ भाई, अब बताइए इसमें कोर्ट का इंतजार तो करिए ना, फिर शहर से उसे दोनों समाज स्वीकार कर लेंगे। खुदाई कर रही थी, नहीं
अरे भाई कोर्ट अगर निर्णय से कोर्ट में गए तो कोर्ट से निर्णय से खुदाई हो रही है ना, वहां पे त्रिशूल निकला कि नहीं निकला? नहीं, अरे त्रिशूल निकला कि नहीं निकला? नंदी नंदी भगवान आए कि नहीं? फिर वही चीज, शिवलिंग को क्या फर्क, कौन कह रहा है? अरे भैया जो फवारा कह रहा है वो त्रिशूल पे क्यों है ना? नहीं इस पर यहाँ पर मान रहा है, वो इसलिए हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, नहीं करते क्यों नहीं, हम मान रहे हैं, हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, मान रहे हैं, ये मंदिर हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करना चाहिए ना, रुक जाइए, ठीक है, अरे महाराज हम मान रहे हैं, तभी वो कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कानून से हट के हम घोषणा कर दे, क्या बात करते हैं, अपनी क्या बात करते हैं आप, अपनी स्कूल को मारे सामने का, ओहो तब मुझे कोर्ट के सही को भी गलत बोला जाए तो हम नहीं बोलेंगे, हम यही तो बोल रहे हैं, इसके लिए ना, इसके लिए बोलने के लिए, चलिए ठीक है सुनिए, एक मिनट, एक मिनट राय साहब सुनिएगा, राय साहब सुनिएगा, सब आपको सुन रहे हैं ना, एक मिनट सुनिएगा, नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट नकवी साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, नकवी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही, सैयद 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 भाई साहब क्या मेरी आवाज मिल रही है, सैयद जाफर साहब, सैयद भाई के लिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कुंदेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लक्ष्मी साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको, तनुषा जी आवाज आ रही है मेरी आपको, ठीक है तनुषा जी, बार बार मैं यही पूछ रही हूँ कि संविधान के तहत क्या हम आगे चलेंगे, क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए था, इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं क्या इससे माहौल खराब हो सकता है, संविधान के मुताबिक आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग सब कुछ बोलने का अधिकार है, जब अभी के बाद जिन्होंने जो भी बयान दिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में है, बयान का भी सब तक है, लेकिन जो अभी गलत चलाना रोड में पेंडिंग है, जब तक की भी कर नहीं सकते और उन्हें इस तरह व्यक्ति बयान देना भी नहीं चाहिए कि हम उखाड़ फेंकेंगे, हम ऐसा करेंगे, जिन सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करने वाली बात बातें हैं उनमें रखने का नाम, अब मेरा मानना है कि दिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले की सुनवाई थी वहाँ पे मौजूद थी, चीफ जस्टिस ने वही बोला कि अभी तो उनकी खबर खबर नहीं है, आप पहले जो है यहाँ से पहले आधार होते हैं, अगर दोनों के सेम प्रमाण आस्था होगा तो वहाँ पे मंदिर में होगा चलिए ठीक है, देखिए कुछ समस्या आ रही है टेक्निकल जिसकी वजह से मुझे चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, तो बात ज्ञानवापी की हो रही थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है ज्ञानवापी को लेकर जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है, अब कहां तक जाएगी इसका इंतजार हमें करना होगा, फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।